नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपका पान मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा पिछला अध्याय है, झंडे के ऊपर, पताके के ऊपर विजय कैसे मिले आपको, इसी का पार्ट टू, जिसको कहते हैं ना कि हम उपलब्धियों में मशहूर हो जाते हैं। हर इंसान को सफलता तभी मिलती है जब उनके हाथों पर कोई परमात्मा की एक छाप होती है, एक देन होती है उसके कर्मों पर। कहते हैं ना कि विजय पताका, झंडा फहरा देता है वो इंसान अपने हर उस बुलंदियों के क्षेत्र पर। तो जैसे कि अभी हमने पिछले अध्याय में कुछ पर्वतों के ऊपर रह गए ये चिन्ह, आज पार्ट दूसरे में उसका हम और अच्छे तरीके से और उन पर्वतों पर क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारी ये हस्तरेखा, जीवन की वो गहराइयों के अध्यायों को एक किताब की तरफ पलट के रख देती है। अब हमने पिछले अध्याय के बाद जो हमारा कुछ पर्वत है, उस पर्वतों के ऊपर देखते हैं क्या कुछ कहता है ये झंडा और ये पताका। सबसे पहले ये बुद्ध के पर्वत है और बुद्ध के पर्वत के ऊपर ये पताका। ऐसे में तो अवश्य कुशल व्यापारी होता है और बड़ा व्यक्ति बनता है, धनी व्यक्ति बनता है हम कहते हैं। और ऐसे लोग अपने दम पर लोगों की मदद करते हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं। विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत आविष्कारक का काम करते हैं। कहते हैं ना, ऐसे लोग समाज का काम करने वाले, समाज सेवी और मित्रों के काम आने वाले होते हैं। और ऐसे लोग धन के मामले में काफी संपन्न होते हैं और इनकी व्यापार की कुशलता जो होती है ना, काफी प्रबल होती है। अगर आपके हाथ में ये पताका है, ये झंडा है, तो इसी प्रकार से दूसरा चिन्ह जो है, हम ये पताका अब देखते हैं। ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का पर्वत। अब यहां पे ये पताके का चिन्ह बनता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, काफी सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं। कहते हैं ना, ये कोमल की तरह होते हैं। जैसे कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, वो चंचलता आती है, उसको पकड़ना बड़ा स्वाभाविक सी इतनी आसान नहीं है, वो जीवन में चलते रहना चाहती है। ऐसे लोग काफी चंचल होते हैं। हम कह सकते हैं कि दूसरों के मिलनसार होते हैं, कला और प्राकृति के क्षेत्र में काफी निपुण भी होते हैं और इनकी जो बोली बाणी काफी मीठी होती है, उदार लोग होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग अच्छा कवि और अच्छे लेखक भी होते हैं, लेकिन इनको कहते हैं ना, रचनाओं का काफी करने का कलाकारी होती है। और ऐसे लोग मन के काफी साफ होते हैं, इनको जल के आसपास क्रीड़ा करने की एक कला होती है। मन है ना चंचल है, लेकिन परमात्मा के दिए हुए जो शुभ चिन्ह है वो अपना असर तो अवश्य दिखाता है। इसी प्रकार से ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत, इसको हम शुक्र का पर्वत बोलते हैं, शुक्र का पर्वत। शुक्र का जो पर्वत होता है ना, वैसे भी अगर यहां पर पताके का चिन्ह बनता है, बुलंदियों तो देता ही देता है, साथ में ऐसे लोग एक आदर्श प्रेमी होते हैं, सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, परमात्मा की एक छाप होती है। कहते हैं ना, ऐसे लोगों का जो मनमोहक रूप होता है, काफी सुंदर भी होते हैं कला के क्षेत्र में और शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में, और इसके ज्ञान रखने वाले काफी होते हैं। कहते ना, श्रेष्ठ गायक होते हैं, अभिनेता होते हैं और
अभिनेत्री भी इस कला के क्षेत्र में अधिक और कुशल तौर पर अपने कला के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सुंदर और साफ सुथरे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। इनको अपने आप को एक्टिवेट करने की क्षमता होती है। जैसे कहते हैं ना, इत्र वगैरह सुगंधित चीजों के लिए काफी मनमोहक चीजें इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग संविधान का पालन करते हैं और नीति में कुशल होते हैं। इसी प्रकार से ये राहु का क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र, इसको हम राहु का क्षेत्र बोलते हैं, राहु का क्षेत्र। राहु का क्षेत्र और यहां पर अगर ये बनता है पताका, कहते हैं कुदरत की तरफ से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है। कुदरत की तरफ परमात्मा जिसके ऊपर अपनी मेहर कर दे, जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल कर लेता है। और यहां पर कुदरत की चीजें, जैसे कि ऐसे लोग जंगल की लकड़ी, कोयला, बागान से खनिज पदार्थों के माध्यम से व्यक्ति लाभ अच्छी तरह से पाता है। और ऐसे लोग अपने कार्य में कुशलता दिखाते हैं, अधिक भाग्यशाली होते हैं, ऐश्वर्य करते हैं और धनवान होते हैं, कीर्ति और प्रतिष्ठा पाते हैं। और ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, क्योंकि यह धार्मिक नेचर को ही दर्शाता है। और ऐसे लोग यात्रा के प्रेमी भी होते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।